मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड में जीविका संग्रामपुर के उत्कर्ष जीविका महिला संकुल संघ में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जो भी पूर्व से छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण कराया गया, एक युवक युवतियों को प्रशिक्षण करा के रोजगार उपलब्ध कराया गया, उसी कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन उत्कर्ष जीविका महिला संकुल संघ की अध्यक्ष सरिता देवी, नूतन देवी, कोषाध्यक्ष बबीता देवी एवं अन्य जीविका कर्मियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया। इस मौके पर रोजगार संसाधन सेविंग विनोद कुमार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कराए गए प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। श्री कुमार ने यह भी बताया कि दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के तहत आज तक संग्रामपुर प्रखंड में विभिन्न ट्रेड डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंटल मैनेजर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जूनियर इंटोनेशन टेक्नीशियन का 6 माह एवं 12 माह का प्रशिक्षण पटना एवं मुंगेर में कराकर कुल 50 युवक एवं युवतियों को अब तक प्रशिक्षण कराया है। जो भी युवक युवतियों को प्रशिक्षण कराया गया है उनको आज संकुल संघ के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं जीविका कर्मियों के द्वारा अंगवस्त्र एवं डायरी पेन देकर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जीविका सिर्फ पैसे की जरूरत पूरा करना या लेन देन करना इसका मकसद नहीं, इसमें रोजगार, स्वास्थ्य एवं अन्य तरीके के भी कार्य कराकर लोगों को जीविकोपार्जन कराया जाता है। वही जनरल मैनेजर प्रशांत कुमार सिंह ने पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। वही इस मौके पर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर खुशबू कुमारी, सुप्रिया कुमारी, ऋषिकेश कुमार सहित राजमनीष कुमार, लेखापाल विभूति मंडल, धर्मेंद्र कुमार, क्लस्टर फैसिलिटी नवनीत कुमार मौजूद रहे। बहुत ही बढ़िया, जहाँ तक हम मानते हैं कि जहाँ कुछ नहीं कर रहे थे बहुत कुछ सीख के प्लेसमेंट जब कराया गया, तो मैं एरियल टेलीकॉम नोएडा सेक्टर 63 में जॉब कर रहा था, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का डिजिटल एक्टिवेशन कर रहा था। बस कोविड के वजह से मुझे कोविड में जब मैं पड़ गया तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होने लगी, उसके कारण मैं घर आ गया। उसके बाद अभी परसों में मेरा पढ़ाई चल रहा है जीविका का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे गांव से लेकर शहर तक ले गया। मुझे संग्रामपुर का मैं निवासी हूँ, वहाँ से मुझे पटना में ट्रेनिंग दिया गया डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। वहाँ से मुझे ट्रेनिंग 6 मंथ का कराया गया, वहाँ से मुझे प्लेसमेंट जब कराया गया तो मुझे एरियल टेलीकॉम नोएडा सेक्टर 63 में जॉब प्राप्त हुआ, जहाँ की मैं जॉब 3 मंथ किया। उसके बाद कोविड की वजह से मैं घर आ गया। मेरा नाम विशाल कुमार है, घर संग्रामपुर। जो PIE है बिप सिस्टम लिमिटेड, हमने 2 ट्रेड में युवाओं को ट्रेनिंग दी। जो पहला ट्रेड है वो है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। इस ट्रेड में हम बच्चों को बेसिक कंप्यूटर से लेकर एडवांस कंप्यूटर तक बताते हैं, साथ ही साथ उनकी टाइपिंग स्पीड पे काम करते हैं, जिससे कि जहाँ भी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क हो रहा है, डेटा एंट्री का काम हो रहा है, वो बेहतर तरीके से हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग कर सके। और कॉल सेंटर, क्योंकि अभी के टाइम पे हमें कॉल सेंटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर सके और युवाओं को जहाँ पर भी कॉल सेंटर है, वीडियो इंडस्ट्री है, वहाँ पर रोज़गार मुहैया करा सके। दूसरा ट्रेड जो JIT है, ये एक टेक्निकल ट्रेड है, जूनियर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन का। इसमें हम बच्चों को वह तकनीकी नॉलेज देते हैं कि मशीनों के साथ आप कैसे काम करोगे, मशीनों का रख रखाव कैसे होगा, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, जिससे कि वह इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म पे खुद को स्थापित कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। ये जो ट्रेनिंग है बिप सिस्टम लिमिटेड हमारी PIE है, जो जीविका के द्वारा संचालित है, और हमारा ट्रेनिंग सेंटर पटना में 70 फीट रोड सरिस्ताबाद है। मुंगेर की अगर मैं बात करूं तो मुंगेर में लगभग हमारे पास 200 युवा युवती ट्रेनिंग ले चुके हैं, और रोजगार की बात की जाए तो अभी 100 के आसपास, 100 से कुछ ज़्यादा बच्चे रोजगार कर चुके हैं या कर रहे हैं, और बाकी जो बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं उनकी रोजगार पर कार्य किया जा रहा है, जिससे कि उनको शीघ्र से शीघ्र रोजगार मिल जाए। मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं बिप सिस्टम लिमिटेड के सेंटर मैनेजर के रूप में काम करता हूँ। रोहित कुमार, संग्रामपुर, मुंगेर, R9 भारत।